आप सभी ग्रामवासियों का अभिनंदन करता हूँ। इतने ठंड में भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है और 7 अगस्त को मध्य प्रदेश शिवनी से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई और ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा चलने वाली है। उत्तराखंड में 24 तारीख को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई और ये जो परिवर्तन यात्रा है ये पूरा उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं ये कवर करने का प्रयास करेगी और 30 तारीख को इस परिवर्तन यात्रा का समापन है। ये परिवर्तन यात्रा निकल चुकी है तो जब हमारी गाड़ियां रोड पर चल रही है, गांव देहात में जा रही है तो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी 2019 का चुनाव जो है वो आया नहीं है और ये लोग कौन सी यात्रा निकाले हैं, लोग हमारे तरफ देख रहे हैं। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा है, ये कोई चुनाव का या कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा निकालने का हमें क्या जरूरत पड़ी वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा ये संगठन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, ये कोई संगठन नहीं है और ना ही इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना ही इसका कोई राज्य अध्यक्ष है और ना ही इसका कोई जिला अध्यक्ष है। ये संगठन नहीं है, ये मंच है। ये मंच हम लोगों ने क्यों बनाया वो आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा का मुख्य बिंदु है कि आज देश के हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। आज दो चीजें खतरे में चली गई, एक है लोकतंत्र और दूसरा है संविधान। आज दोनों ही खतरे में है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं और बचाने के लिए खेला गांव को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा ये 6 महीने की परिवर्तन यात्रा है, फरवरी महीने तक ये परिवर्तन यात्रा चलने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा 2024 तक चलने वाली है, 6 लाख गांव हम लोग कवर करने वाले परिवर्तन यात्रा से। क्यों ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, अभी आगे जो विचार आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको अंदाजा आएगा और आपको भी लगेगा कि ये विचार 6 लाख गांव तक पहुंचने चाहिए। हम जो जनता को विचार जागरूक करने का जगाने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की वर्तमान की जो मीडिया है ये मीडिया हमारे विचार जनता तक पहुंचने देने का काम नहीं कर रही है। इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम जी कर रहे हैं जो राष्ट्रीय संयोजक है, सज्जाद नौमानी साहब कर रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साखन मुर्मू जी कर रहे हैं जो आदिवासी सिंगल अभियान झारखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिमरनजीत मान साहब कर रहे हैं जो पंजाब के अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोरणेश्वर अप्पा जी नेतृत्व कर रहे हैं जो राष्ट्रीय लिंगायत धर्म के धर्मगुरु है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रवीण दादा गायकवाड़ जो महाराष्ट्र के
परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 30 तारीख साथियों आज एससी एसटी ओबीसी एक माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज को एक मंच पर लाने के लिए ये बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का मंच बनाया। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। मेरा नाम है प्रेम कुमार गेड़ा। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं इस परिवर्तन यात्रा में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले इस एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज है इसको कोई अधिकार नहीं थे। बोलने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, रोजगार करने का अधिकार नहीं था, शेड्यूल कास्ट को चलने का अधिकार नहीं था। रोड पर लाल बत्ती की गाड़ी दूर की बात, अभी तो लाल बत्ती की गाड़ी में हमारे लोग घूम रहे हैं। ये अधिकार 26 जनवरी 1950 के पहले इस एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है उस समाज को ये अधिकार नहीं थे। ये अधिकार मिले संविधान की वजह से और आज वही संविधान 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने वो संविधान जलाया। कोई प्रतिक्रिया हुई भारत जिस संविधान की बदौलत हम लोगों को ये अधिकार मिले वो संविधान जलाया गया। कोई प्रतिक्रिया हुई? पुतले की अगर उंगली टूट जाती ना तो 10-15 लोग मर जाते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूँ पुतला जो है उसकी उंगली टूटती ना तो देश भर में बवाल होता है। उसी अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, संविधान तीन दहाड़े चलाया गया। कोई प्रतिक्रिया हुई? नहीं हुई। क्यों? इसका मतलब इस मूल निवासी बहुजन समाज में भक्त पैदा हुए, अनुयायी पैदा नहीं हुई। भक्त पैदा हुए, भक्तों का काम है भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना, अनुयायियों का काम है महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करना। अंतर भक्तों का काम है भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना। कोई आएगा हमारी समस्या का समाधान करेगा? साला 71 साल हो गया कोई आया समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। साथियों जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है ये जो परिवर्तन यात्रा है ये किसी एक जाति की परिवर्तन यात्रा नहीं है, तो ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की मिलकर जो प्रतिनिधि है इस समाज के जो देश भर में काम कर रहे हैं वो सब लोग मिलकर ये परिवर्तन यात्रा निकाले हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। साथियों संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार है। 15-4, 16-4 में नौकरी का अधिकार है, लेकिन संविधान को बगैर हाथ लगाए निजीकरण लाया और नौकरी आपकी समाप्त कर दी। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे समाज से चुनकर जाते हैं। किसी ने कुछ बोला 71 साल हो गए नौकरियां खत्म हो रही है। साथियों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 21-335 में संविधान में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आज हमारे बच्चे हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते। आज क्लास 1 से लेकर 8वीं तक एग्जाम खत्म कर दी। अभी एग्जाम खत्म कर दी तो पढ़ाई नहीं होगी। एग्जाम अगर खत्म होगी तो बच्चा अभ्यास नहीं करेगा, स्टडी नहीं करेगा। अगर बच्चा स्टडी नहीं करेगा तो साथियों उसके ब्रेन में मेरिट डेवलप नहीं होगा। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है इतनी गंभीर बात है
वर्तमान में संविधान खतरे में है। आज वर्तमान में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर संविधान को और लोकतंत्र को अगर हम लोगों को बचाना है तो हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और एकजुट होकर हम लोगों को संविधान को और लोकतंत्र को बचाना होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने द्विदलीय जनतंत्र का निर्माण किया। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा, दूसरा विरोध में होगा। द्विदलीय जनतंत्र का अर्थ होता है एक सत्ता में होगा, एक विरोध में होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच थी कि अगर सत्ता में अधिक है तो विरोध में पिछड़े होने चाहिए। ये सोच भी बाबा साहब अम्बेडकर की अगर सत्ता में अड़े है तो विरोध में पिछड़े होने चाहिए। आज वर्तमान में क्या हुआ, तथाकथित आजादी के 71 साल में भारत में द्विदलीय जनतंत्र है, लेकिन द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया। 71 साल में तथाकथित आजादी को बाबा साहब अम्बेडकर ने द्विदलीय जनतंत्र दिया। द्विदलीय जनतंत्र का अर्थ होता है एक सत्ता में होगा, एक विरोध में होगा। अगर सत्ता भारी, अगर गलत निर्णय ले रहा है तो विरोध वाला उसको विरोध करेगा, उसे कहते द्विदलीय जनतंत्र। आप कहते हो सत्ताधारी और विपक्ष विरोधी दल, आप कहते हो आज 71 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया, पूरी पार्टियां भारत के ऊपर राज कर रही है और संविधान चलाया गया। मैं खास बात आपको समझा रहा, मैं भी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और ना मैं इंटरेस्टेड हूं। मैं खास बात आप लोगों को बता रहा हूं और ज्यादा भी बात नहीं करूंगा, समय भी बहुत हो चुका है, हम लोग भी दिन भर चल रहे हैं। द्विदलीय जनतंत्र जिसकी वजह से हजारों समस्याएं निर्माण हुई, आज द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में है। जो बात आपको बताई जा रही है और जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मुलायम सिंह मायावती जी यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार रामनाथ जी सीताराम जी लालू जी बिहार तक सीमित, शुभू सोरेन अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, रामदास अटवाले प्रकाश अम्बेडकर शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। द्विदलीय जनतंत्र समझा, उसके आगे जाकर कुछ कांग्रेस से बंधे हुए हैं, कुछ बीजेपी से बंधे हुए हैं। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन लाया 33 घटक दल है, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन लाया 34 घटक दल है। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, आगे कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है। जिनको नेता मानते हो समझदारी की भी हद होती है। उसके आगे जाकर हमारे नेता जाति के नेता बन गए, मायावती चौहानों की नेता, मुलायम सिंह यादव का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, लालू जी यादव का नेता, सीताराम मांझी का नेता, रामविलास पासवान का नेता, शुभू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओ का नेता, रामदास अटवाले महारो का नेता, प्रकाश अम्बेडकर महारो का नेता, शरद पवार मराठो का नेता, अटल बिहारी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारा नेता जाति का नेता। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको? ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरा भाषण सुनना है तो यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम लिखिए, 100-150 स्पीच मेरे पड़े हुए। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूँ। कहने का मतलब जो द्विदलीय जनतंत्र है वो द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया,
समस्या एक गांव की नहीं है, समस्या 7,30,000 गांव की है, समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या भारत के पौने 700 जिला की है, समस्या एक राज्य की नहीं, भारत में 36 राज्य है, 36 राज्य की समस्या है। तो आपका संगठन राष्ट्र में भी होना चाहिए, आपका संगठन देश में भी होना चाहिए, आपका नेता भी देश में भी होना चाहिए, तभी ना समस्या का समाधान होगा। आपका नेता जिला का होता है, आपका नेता राज्य का होता है, आपका नेता जाति का होता है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? यही तो समस्या हो रही है तत्पर सामने। ये विचार हम लोग जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई मीडिया दिखाता नहीं, तो आपको कैसे दिखेगा? इसलिए हमने खुद का मीडिया बनाया, पूरे दुनिया में 40 देशों में ये मीडिया दिखाया जाता है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है लाइव कार्यक्रम है, एमएन टीवी पूरे दुनिया में दिखाई दे। साथियों, जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया था, वो लोकतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया। अभी कांग्रेस निर्माण हुई 28 दिसंबर 1885 में, अभी किसने बनाया? कोई था या एससी, कोई ओबीसी था, कोई मुसलमान था, कोई आदिवासी था? मुझे एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसने कांग्रेस बनाने वक्त शामिल था, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, कोई था? चाटर जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इस जाति के है भाई। कांग्रेस में व्यक्ति काम करता था जो नागपुर का था, 1935 तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा विदर्भा का, नागपुर का, 1935 तक। और उसने 1925 में आरएसएस बनाई, हेडगेवार में आरएसएस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का व्यक्ति काम करता था, उसने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का रूपांतरण 1980 में भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। जो बातें आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इतनी मौलिक बातें हैं कि अब लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया। साथियों, संविधान की बात मैं आपको बताऊं, संविधान खतरे में है, संविधान में अधिकार है, संविधान में टोटल आर्टिकल 395 है, उनमें से 65 आर्टिकल एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के समर्थन में। संविधान आपके हित की बात कर रहा है, संविधान आपके विकास की बात कर रहा है, संविधान आपके कल्याण की बात कर रहा है, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग आप नहीं हो। आगे समस्या, संविधान आपके हित में है लेकिन हिसाब पर साल से चलाने वाले लोग जो है वो हमारे नहीं है, एससी के नहीं, एसटी के नहीं, ओबीसी के नहीं, माइनॉरिटी के नहीं। मैं इतिहास बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक कथा नहीं बता रहा, ये सत्य था, ये तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा। एक मौलिक अधिकार के बारे में बताते हुए मेरी बात आप लोग, आप मेरी बात को मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के प्रेम से राजा पैदा होता था, 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर भारत में पैदा हुआ और उस रानी की नसबंदी कर दी और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा प्रजा से पैदा हो, ये बाबा साहब ने कहा। और संविधान मिलेगा आर्टिकल 319-332 में, राजा बनने का अधिकार, प्रजा निर्धारित करेगी राजा कौन होगा, वो अधिकार था, वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार। वोट का अधिकार का मतलब होता है वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। वन मैन वन वोट का अधिकार का मतलब क्या होता है? अर्थ रानी को जो अधिकार होगा वही अधिकार नौकरानी को होगा, ये है वन मैन वन वोट। वन वोट वन वैल्यू का अर्थ क्या है कि जो रानी के अधिकार की जितनी वोट की कीमत होगी उतनी ही कीमत नौकरानी के मजदूर के अधिकार की होगी, जितना अंबानी के वोट की कीमत होगी उतनी ही कीमत
की होगी, वन वोट वन है। आज क्या राजा बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, और बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो हमें इस देश की शासन करके जमात बननी है, राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन राजा बनने का वोट का अधिकार आज वर्तमान में मशीन के द्वारा खत्म किया गया है। संविधान में अधिकार है, इसलिए आपको उदाहरण दिए, संविधान में नौकरी का अधिकार है, नौकरी खत्म कर दी बगैर संविधान को हाथ लगाए। संविधान में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा महंगी कर ली, आप डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर बनना है 50 लाख रूपए फीस, ये तो की लेकिन सामने एग्जाम खत्म कर दी, एक से लेकर आठ तक कोई एग्जाम नहीं, अभी एग्जाम नहीं होगी तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा इधर मेरिट डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे मेरिट खत्म कर दिया उधर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रखा, चपरासी भी बनना है तो एग्जाम देनी पड़ेगी, खत्म कर दी। वैसे संविधान में वोट का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार मशीन ने खत्म कर दिया। ये मशीन जो है गड़बड़ी वाली मशीन है, दुनिया में कई बार भी वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, दुनिया में अमेरिका में नहीं होता, जापान में नहीं होता, ब्राजील में नहीं होता, रशिया में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, ये बाजू वाला पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया में 120 देशों में वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, भारत में चुनाव हो रहा है, ये गड़बड़ी वाली मशीन है। 2004 में कांग्रेस ने गड़बड़ी की, 2009 में फिर से कांग्रेस ने गड़बड़ी की, इसके विरोध में वोटिंग मशीन में जो कांग्रेस ने गड़बड़ी की, इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी नाम का जो एक व्यक्ति था उसने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि कांग्रेस ने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर चुनाव जीता। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को सवाल पूछा, अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है तो इसमें सुधार के लिए आपके पास क्या पर्याय है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इसमें एक पर्याय है, तो बोले कौन सा? तो बोले मेरे भला भला बैंक में 1 लाख रुपए है, अगर मुझे पैसे निकालना है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा और इतना समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं एटीएम मशीन में जाता हूँ, और जब एटीएम मशीन के पास जाता हूँ और एटीएम से जब पैसे निकालता हूँ तो एक स्लिप बाहर आती, जैसे बस में आप जाते हो तो टिकट मिलती है ना, वैसे एटीएम से स्लिप बाहर आती है, और मैंने 10,000 रुपए निकाले तो वो स्लिप बाहर आती है, और वो स्लिप मुझे बताती है कि आपने 10,000 रुपए निकाले, आपके खाते में 90,000 रुपए बैलेंस है, इससे क्या होता है? तो एटीएम मशीन के ऊपर मेरा विश्वास होता है, और मेरा किस बैंक खाता है उस पर भी विश्वास होता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण बताया, और फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा लेकिन ये जो ईवीएम मशीन है, वोटिंग मशीन है, मतदाता बटन दबाता है, आवाज आता है, वोट किधर गया पता नहीं चलता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है, स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी अगर चुनाव करना है तो वोटिंग मशीन के साथ में जैसे एटीएम में पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई है वैसी पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी, ताकि मतदाता जो बटन दबेगा छाप वही बाहर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2013 को, और चुनाव आयोग को कहा स्वतंत्र निष्पक्ष अगर पारदर्शी चुनाव करना है तो वोटिंग मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। आदेश देने के बावजूद भी 2014 में चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन के सामने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई, और बगैर पेपर ट्रेल मशीन चुनाव किया, और गड़बड़ी कर बीजेपी ने चुनाव जीता, और ये नरेंद्र मोदी जी ये जनता की बर्दाशी नहीं है, ये वोटिंग मशीन की बर्दाशी है। चंद्र को खास बात समझा, हमारी तुम्हारी कमी सर, लास्ट में आप डिस्कस करिए। मैं जो बातें बता रहा हूँ पहले उसको सुनो, जरूरी नहीं कि मेरी सारी बातें आपको सही लगे, जरूरी है क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी बातें
जैसे ही भाषण खत्म होता है फिर आपको सवाल पूछेंगे, अगर बीच में आप पूछेंगे तो बात यही पे ये हो जाए। मैं कोई अंबड़दार तो हूं नहीं आपके सामने बात कर रहा हूँ, पीजी का स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरी छोड़कर 12 साल से काम कर रहा हूँ, 33 राज्य घुमा, तो साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। जब इतनी बातें बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट लिया, 14 में पेपर ट्रेल मशीन लगनी चाहिए, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया फिर भी नहीं लगा, और बगैर पेपर ट्रेल मशीन वोटिंग मशीन के ऊपर स्लिप चुनाव मोदी जी जीत कर गए, 56 इंच का सीना झूठ बोल के जीना, अगर 56 इंच का सीना है तो बैलेट पर चुनाव करो, डरता क्यों? अगर 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर पर चुनाव कीजिए भाई साहब। मैं इसलिए उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अभी जनता निर्धारित नहीं कर रही है राजा कौन है, मशीन निर्धारित कर रही है, जनता निर्धारित नहीं करी, बाबा साहब ने जनता को वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने राजा बनने का अधिकार प्रजा को दिया, क्योंकि 50 के पहले रानी का लड़का ही राजा बनता था, बाबा साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, रानी का लड़का राजपुति बने, राजा प्रजा निर्धारित करेगी कौन को अधिकार दिया, लेकिन मशीन उस वोट के अधिकार को खत्म कर रही है। हेलो, एक मिनट तो बहुत मान हेलो देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दिए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दिए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये बात इतनी बात आप ध्यान रखिए, लेकिन जो बातें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सुनना होगा, सत्र का फल जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके सवाल में ही जवाब होता है। साथियों, ये वोटिंग मशीन जो है ये गड़बड़ी वाली मशीन है, अभी मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा, आप शांत रहिए, उनकी भी बात सही है, उन्होंने सवाल पूछा कोई गलत नहीं, लेकिन सवाल बाद में पूछना है, शांत रहिए। उसके 4 उदाहरण दूंगा, पहला उदाहरण, जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल किया जाता है, जमीन पर बैठकर अगर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल होता है तो वोटिंग मशीन कोई बड़ी चीज है क्या? दूसरा उदाहरण, जब नोटबंदी हुई थी 500,000 की, तब भारत की 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए थे, अब तो ने 2400 ही निकले, ये ध्यान है, आप भी लोग तो लाइन में लगे थे, जिन्होंने नोटबंदी की वो कभी लाइन में लगते हुए हमें दिखाई नहीं दिया, 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए थे, अब तो ने 2400 ही निकलेंगे, अगर एटीएम मशीन सेट हो सकती है तो वोटिंग मशीन कोई बड़ी चीज है क्या? तीसरा उदाहरण, पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है तो आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। चौथा उदाहरण, अभी एंड्रॉइड मोबाइल आए, दीजिए भाई साहब डेमो दिखाना पड़ता है, गांव के लोग हैं हमारे, मैं भी गांव का ही, आपका तो गांव थोड़ा अच्छा है, मैं तो जंगल का हूं, नेशनल पार्क 40 साल तक लाइट नहीं थी, ये एंड्रॉइड मोबाइल, अगर ये मोबाइल का प्रोग्राम मुझे दूसरे मोबाइल में देना है तो यहाँ पे फंक्शनिंग है, छापिया विंडर शेरिट ब्लूटूथ ये प्रोग्राम ट्रांसफर होता है पता नहीं चलता, अगर इस मोबाइल में अगर ये भाई साहब का कॉल अगर मैंने फॉरवर्ड करके रखा तो ये भाई साहब मुझे कॉल करेंगे, लेकिन इनका नंबर मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा है कॉल उसको जाएगा मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैंने इनका नंबर किसी दूसरे नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा उसी को जाएगा, 2 बार करेंगे 2 बार जाएगा, 10 बार करेंगे 10 बार जाएगा, कॉल फॉरवर्ड हो सकता है, वोट आपका कोई बड़ी चीज है क्या? वोटिंग मशीन, इस गांव के कितने लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल समझ में आता है, इस गांव के कितने लोगों को कंप्यूटर समझ में आता है, भारत के 92% लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल और कंप्यूटर समझ में नहीं आता, उस देश में वोटिंग मशीन पर चुनाव होता है, वोट का अधिकार आपका अधिकार है, आपको किसको देना है वोट,
लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला व्यक्ति। मैं किसी का पार्टी किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ और किसी व्यक्ति का प्रचारक नहीं हूँ कि भाई इसको वोट दे, वो आपका अधिकार है, आपने दिया है, आपको इस्तेमाल करना है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भारत में संविधान भी खतरे में है और भारत में संकट है। ऐसे लाखों संकट हमारे समाज में निर्माण हुए हैं। मैं ये विचार भगवान के सामने रखा है। मैं उन अलग अलग संगठनों में काम करने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि हो सकता है आपके और मेरे विचारों में कुछ मतभेद हो सकते चलेगा, हो सकता है कि आपके और मेरे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप संकट कब चलाओ, संकट कब चलाओ। संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है संगठन बनाने का अधिकार, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार, हरियाली निकालने का अधिकार, लोगों को जगाने का अधिकार, ये संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। अगर संविधान खत्म हो जाए तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, अगर आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी तो आप संगठन कहां से चलाओ। चलो मान लिया मेरी आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो तबला करोगे जब संतन की दिन रहेगा। संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार, ये मेरे बाप ने दिया है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आर्टिकल 19 खत्म हो जाए तो आप बोल नहीं पाओगे, आर्टिकल 19 खत्म हो जाए संतन बना नहीं पाओगे, आर्टिकल 19 खत्म हो जाए संतन चला नहीं पाओगे। जब संतन ही नहीं बनाओगे तो समाज को जागरूकता से करोगे, जागरूकता के लिए तो संतन चाहिए। इसलिए साथियों आपके और हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, ये बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन संविधान खतरे में है ये हम सब लोगों की समस्या है। संविधान खतरे में है ये हम सब लोगों की समस्या है। अगर आपको लगता है संविधान बचना चाहिए तो आप अपना डंडा झंडा एजेंडा बरकरार रखिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना डंडा झंडा एजेंडा, मैं भी अपना डंडा झंडा एजेंडा लेकर अगर एक साथ एक मंच पर अगर हम लोग आते हैं कम से कम संविधान को बचाने के लिए, तो भी हम लोग संविधान बचा सकते हैं। इसीलिए लाखों संगठनों ने मंच बनाने के लिए ये बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का मंच बनाया। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, ये धरना आदिवासी लोगों में काम करता हूँ, उनको जोड़ने का जगाने का काम करता हूँ, लेकिन संविधान खतरे में ये मेरी भी समस्या है, इसलिए मैं इस परिवर्तन यात्रा में मैं निकला हूँ। महाराष्ट्र में परिवर्तन यात्रा में 42 दिन था, बिहार में 30 दिन था और गुजरात में मैं करीबन 35 दिन था। इस परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को 3 बार जेल जाना पड़ा, 3 बार जेल जा चुका, अभी तो मैं जेल से ही बाहर आया। 23 तारीख को जेल से बाहर आया, 24 तारीख को आपके राज्य में पहुंचा, मैं भी जेल से। साथियों ये संविधान को बचाने का मामला है, संविधान बचेगा तो अधिकार बचेगा, अधिकार बचेगा तो जिस दिन आपको अवसर मिलेगा उस दिन आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अवसर मिलेगा ध्यान रखो, अवसर जरूर मिलेगा। सही तैयारी चल रही है झेला गांव में, क्योंकि हम संख्या में बहुसंख्य लोग हैं, हम लोग इस देश के निवासी की लोग हैं। आज भी हमारे 6,743 जाति में टुकड़े बने हुए रहे, लेकिन जरूर इतना एक दिन हम लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर जब हम लोगों को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का कार्यक्रम है, लोकतंत्र कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया 71 साल में, आज हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई और साथियों इन लोगों ने आज संविधान खतरे में डाला। मैं ये बात आप लोगों को बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आज आदिवासी की समस्या का समाधान नहीं है, आज शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आज ओबीसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आज मुसलमानों की
समस्या का समाधान नहीं है, महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आपने इसके ऊपर सोचा कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जनता के वोट से थोड़ी ना चुन कर जाते, हम तो मशीन से चुन कर जाते। जब वो मशीन से चुन कर जा रहे हैं तो जनता की समस्या का समाधान करना जरूरी नहीं है। ये खेल भारत में चल रहा है, ये खेल समझने के लिए थोड़ी शिक्षा की जरूरत होती है और हजारों सालों से हमको शिक्षा से वंचित रखा। मैं पीजी का स्टूडेंट एक मिनट के लिए सोचता हूँ, अगर मेरा दादा पोस्ट ग्रेजुएट होता तो, मेरा दादा डॉक्टर वकील इंजीनियर होता तो, कभी आप लोगों ने सोचा है? हमारे दादा डॉक्टर वकील इंजीनियर होते, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते, फॉरेन एजुकेशन लिए होते तो भारत की तस्वीर कितनी अलग होती। हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रहा, विभाजन और अज्ञान का उनका षड्यंत्र है, हजारों सालों से वो लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय मंडलवासी।